इसके बाद माइल्ड स्टील और ये HYSD बार के बारे में बताया था सर। अल्टीमेट लोड के ओके, बारे में बता दिया था। तो हमारा मेथड ऑफ डिजाइनिंग है या डिजाइन की फॉर्मीज है उनके बारे में हम लोग डिस्कस किया हुआ है। मेथड है ये लोड फैक्टर मेथड है। बेसिकली जो मैं पढ़ने पूरे दो मेथड ही पढ़ने हैं। सर वॉइस नहीं आ रही मेथड क्लियर। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारा डब्ल्यू एस एम मैथड है या एल एस एम मैथड है उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। उनकी की डिजाइन फॉसफीज क्या है, ये किस पे बेस्ड है। जैसे जो हमारा डब्ल्यू एस एम मैथड था वो टोटल इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड था, ठीक। और जो डब्ल्यू एस एम और एल एस एम दोनों में डिफरेंस क्या था, कोई भी बताएगा मुझे। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि एल एस एम मैथड और डब्ल्यू एस एम मैथड दोनों में डिफरेंस क्या है। पर डब्ल्यू एस एम मेथड जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे डिपेंड करता है और ये एल एस एम है जो मोमेंट एरिया मेथड से। बेटा वर्किंग स्ट्रेस मेथड तुमने तो उसको फुल फॉर्म बता दिया मुझे डब्ल्यू एस एम का, किस पे बेस्ड है ये। इलास्टिक हम लोगों थ्योरी पे हम सर। लोगों ने इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। हम लोगों ने डब्ल्यू एस एम मेथड को छोड़ के एल एस एम मेथड को क्यों सिलेक्ट किया, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड ये क्यों माना जाता है। महंगी सस्ता है। सर क्योंकि इस पे जो हम लोग मतलब कि प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, साथ में एक प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेके चलते हैं। फिर साथ में हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो यस सर, कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड में 1.5 लेते हैं, और जो स्टील के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो 1.15 यूज करते हैं। ओके, फिर कुछ इनके एमसीक्यू थे जो कल हम लोगों ने सॉल्व किए हुए थे। तो मेरे हिसाब से कल जितने भी एमसीक्यू पढ़े हुए थे लगभग लगभग सबको सबको समझ में आ गए थे कि किसका आंसर क्या जी होगा, सर। क्योंकि क्योंकि सब उसी टॉपिक से रिलेटेड थे, ठीक है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डिजाइन फिलोसफीज में जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है या डबली रेनफोर्समेंट बीम है उनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि सिंगली हमारी बीम क्या होती है, डबली बीम क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक, क्लियर नहीं आ रही सर सबसे लाइन। पहले क्लियर नहीं आ रही सर, कभी थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा क्लियर आ वेट कर जाएगा। लो, क्लियर आ जाएगी। जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो। मानवेंद्र माइक ऑफ कर ले भाई, इतने से रिपीट हो रही है आवाज। अब हुआ हमारा ऑफ ऑन सर, तो अब ऑफ कर लियो ना, ऑन हो गया कर लियो ना, ऑन हो गया तो ठीक है। तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एस एम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डब्ल्यू एस एम मेथड है उस पे जो हमें बीम पढ़नी है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो हमारी होती है, डबली बीम होती है, टी बीम होती है, एल बीम होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंगली बीम के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि सिंगली बीम का मतलब क्या होता है, कि यदि हमारे जो रेनफोर्समेंट है वो बीम्स के सेक्शन में सिर्फ ओनली टेंसाइल फाइबर पे यदि हमारी स्टील पड़ी होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कोई एक बीम का सेक्शन है, ये क्या है, कोई बीम का सेक्शन है। इस बीम सर, ये की ये दूसरा हमारी क्या होगी,
बोलो बेटा क्या बोल रहा है सर? ये दूसरा लेसन है, दूसरा चैप्टर। बेटा हमें सिर्फ अपने सिलेबस से मतलब है, किस बुक में दूसरा लेसन दे रखा है, किसी में तीसरा दे रखा है, तुम्हें टॉपिक सेकंड थर्ड फोर्थ इससे मतलब नहीं है। सिर्फ अपने टॉपिक से मतलब रखो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक? क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस की बुक नहीं है जिसमें अब इसमें बोलो। किसका माइक ऑन हो गया फिर? मनीष है सर, मनीष। बेटा माइक ही अपने ऑफ रखो, यदि कुछ ये बंद कर लो यार, क्लास से बाहर कर दूंगा। बाहर करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार यहाँ से कैंसिल करना है, क्लास से तुम बाहर हो जाओगे, ठीक? ये हमारा क्या था, कोई बीम का सेक्शन था, इसकी ये न्यूट्रल एक्सेस है, ठीक? न्यूट्रल एक्सेस मतलब उदासीन अक्ष। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बॉटम फाइबर पे यहाँ पे स्टील पड़ी हुई है, ठीक? यदि स्टील हमने इस बीम के ओनली टेंसाइल फाइबर पे डाला हुआ है या टेंसाइल जोन पे डाला हुआ है, तो उस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। क्या बोलेंगे? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक? यहां पर देखो, मैंने सिर्फ इसके टेंसाइल जोन पे ही यहाँ पे स्टील डाला हुआ है, इसलिए इस बीम को हमने क्या बोल दिया? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ओके? यहीं पे यदि मैं इसमें टेंसाइल जोन के साथ साथ इसके कंप्रेशन जोन पे भी स्टील डाल देता हूं, ये हमारा क्या था? ये था टेंसाइल जोन, और ये क्या है? कंप्रेशन जोन, ये कंप्रेसिव जोन। ठीक, जब स्टील या रेनफोर्समेंट किसी भी बीम सेक्शन पे टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों फाइबर पे पड़ जाती है, तो उस प्रकार के बीम सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबली रेनफोर्समेंट बीम। समझ में आ रहा है? जब दोनों फाइबर पे पड़ी हुई है तब हमारा बीम सेक्शन कौन सा हो गया? डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन हो गया। जिस केस पे सिर्फ ओनली टेंसाइल जोन पे ही पड़ी हुई थी, उस केस को हमने क्या बोला हुआ था? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। समझ में आया? सिंगली और डबली दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? जी सर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, विड्थ क्या होती है। सर कंप्रेसिव में स्टील क्यों प्रोवाइड कराते हैं? कंप्रेसिव में स्टील इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं कि देखो, जब हमारी डबली रेनफोर्समेंट बीम पड़ जाती है, मतलब कि जब सेक्शन का जो मूवमेंट आता है, मूवमेंट ज्यादा हो रहा होता है, तो मूवमेंट ज्यादा को उसे कंट्रोल करने के लिए या तो फिर हम बीम का जो साइज है, साइज बड़ा करेंगे, ठीक? साइज बड़ा करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। जैसे मान लो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, ये जो बीम है, इस सेक्शन की जो विड्थ है वो डी है, ठीक? इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ मान लेते हैं यहाँ पे डी, ठीक? डेप्थ मैंने यहाँ पे टोटल डेप्थ ली हुई है। यदि मैं वहीं पे डेप्थ जो नीचे स्टील पड़ी हुई है उस स्टील के सेंटर से ले लेता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, इसको बोलते हैं स्मॉल डी, ठीक? यहाँ पे जो डी है वो है टोटल डेप्थ, स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ। और यहाँ पे जो B है वो है width of beam, ये width of beam section, ठीक? कैपिटल D यहाँ पे क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ बीम है। जो स्मॉल D है वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। स्मॉल D कहाँ तक होगी? जो इसमें स्टील पड़ी हुई है, स्टील के सेंटर तक, दिख रही है? स्टील के सेंटर तक हमारी उसकी इफेक्टिव डेप्थ होगी, और जो उसका स्मॉल बी है, स्मॉल बी हमारा क्या होगा? विड्थ ऑफ बीम सेक्शन होगा, ओके? फिर इसके बाद में यहाँ पे
कुछ और टर्म आते हैं जैसे कवर, और दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे क्लियर कवर। क्लियर कवर और दूसरा वर्ड आता है कवर, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि हम लोग डब्ल्यू क्यों डिजाइन करते हैं, मैं अभी आगे बता रहा हूँ। ठीक, कवर और क्लियर कवर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे स्टील डाली हुई थी, स्टील के जस्ट बिल्कुल बॉटम से, स्टील के बॉटम से यहाँ पे तुम्हें गैप दिख रहा होगा, ये कोई गैप दिख रहा है? स्टील के बॉटम से यहाँ पे ये गैप दिख रहा होगा नीचे, मतलब बिल्कुल बॉटम फाइबर तक यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर कवर। स्टील के बॉटम से बीम के बॉटम तक का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर। इसके बाद बी जो स्टील पड़ी हुई है, स्टील के सेंटर से बॉटम तक के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, सब लोग यहां पे ध्यान देना, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, क्लियर डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, क्लियर डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, ये सबको क्लियर होनी चाहिए। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब है बॉटम फाइबर पे या टेंसाइल जोन पे या जो हमारा तनन क्षेत्र है, तनन क्षेत्र पे जो छड़ पड़ी हुई है, छड़ के सेंटर से लेके बीम के सेक्शन के ऊपरी पार्ट तक की जो हमारी दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी दूरी या प्रभावी गहराई। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभावी गहराई या इफेक्टिव डेप्थ। इसके बाद बीम के या जो बॉटम फाइबर पे जो हमारी छड़ पड़ी हुई है, उस छड़ के सेंटर से लेकर जो हमारा बीम सेक्शन है उसके बॉटम तक का जो बीच का गैप है या डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कवर। ठीक, या प्रभावी आवरण, हिंदी इसकी क्या होगी? प्रभावी आवरण। ओके, और जो बॉटम जो स्टील यहां पड़ी हुई है, ये वाला जो गैप है यानी यहाँ पे ये जो बच रहा है इतना वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे वॉइस आ रही मेरी? हेलो, आ रही सर, आ रही, आ रही। एक जो स्टील पड़ी हुई है, स्टील की नीचे से जो बीम सेक्शन है उसके नीचे तक का जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्लियर कवर। ओके, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, क्लियर डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, इन ये सब चारों टॉपिक तुम लोगों को क्लियर हो गए? यस सर। अब किसी का क्वेश्चन था कि सर हम लोग डब्ली बीम क्यों डिजाइन करते हैं, तो देखो डब्ली बीम हम लोग इसलिए डिजाइन करते हैं कि जब हमारे बीम का जो साइज है, बीम का साइज एक्सपेंड करने लगता है, मतलब बीम का साइज बढ़ने लगता है, तो बीम के साइज को कम करने के लिए उसके कंप्रेशन जोन में भी हम लोग स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए उस बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ली रेनफॉर्स बीम। ठीक, फिर इसका दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग डब्ली क्यों डिजाइन करते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा मूवमेंट है, ठीक, एक तो उसका होगा जो हमारा बीम सेक्शन है पहले से, ठीक, एक डिजाइनिंग मूवमेंट, मान लो जो सपोज दैट हमारा जो डिजाइनिंग मूवमेंट है वो आ रहा है, जो उस पर लोड आ रहा है वो मान लो आ रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक, ये क्या है? हमारा जो डिजाइनिंग लोड है 10 किलो न्यूटन मीटर का है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई एक बीम सेक्शन दे रखा हुआ है, इस बीम सेक्शन को मान लेते हैं यहाँ पे बी इंटू डी के साइज का है, कोई बी इंटू स्मॉल डी के साइज का है, ये बीम सेक्शन जितना मूवमेंट रेजिस्ट कर रहा है, ये मूवमेंट ओनली रेजिस्ट कर रहा है कितना? मान लो 6 किलो न्यूटन मीटर।
यहाँ पे देखो ये जो हमारा बीम सेक्शन है ये कितना मूवमेंट रजिस्ट कर रहा है, 6 kN। लेकिन जो हमें डिजाइन करनी है या स्ट्रक्चर पे जितना लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितने का मूवमेंट आ रहा है वहां पे, 10 kN का। रजिस्ट कितना कर रहा है, ओनली 6 kN। तो जब हमारा 10 का उसमें लोड आ रहा है, 6 को सिर्फ रजिस्ट कर रहा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इस वाले बीम जो डायमेंशन बढ़ा दें। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ए जो बीम है बीम का साइज बढ़ा दें, ठीक। जब बीम का साइज बढ़ा देंगे तो उस बीम को रजिस्ट कर लेगा, तब ये दोनों एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट है, यदि हम बीम का साइज ना बढ़ाएं, यदि हम बीम का साइज बढ़ाएंगे तो बीम हमारी कैसे हो जाए, इकोनॉमिक हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, ठीक। तो कॉस्ट ज्यादा ना हो, क्योंकि जब हम बीम का साइज बढ़ाएंगे उससे मटेरियल ज्यादा लगेगा, मैन पावर भी लगेगा, ठीक, इनकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम लोग ये सोचते हैं, हमें देखो एक सिविल इंजीनियर का काम ये होता है कि कम से कम खर्च में वो एक अच्छी सी अच्छी बिल्डिंग या कोई भी अच्छा से अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सके, ठीक। तो हमें इसी लोड पे इसी साइज पे, अब यदि हम साइज उसका बढ़ा रहे हैं तो उसमें मटेरियल ज्यादा लग रहा है, जब मटेरियल का कंजप्शन ज्यादा होगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो हमें ये भी देखना है कि उसका कॉस्ट ज्यादा ना आए, तो इस बीम के सिर्फ ओनली टेंशन फाइबर की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्रेशन फाइबर भी स्टील प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे, अब जब हमने इसके कंप्रेशन फाइबर में भी स्टील प्रोवाइड कर दी, तो 6 तो हमारा कौन सा ले रहा था, जो टेंशन फाइबर पे स्टील पड़ा हुआ था वो 6 kN को बियर कर रहा था, मतलब रजिस्ट कर रहा था। यहाँ पे जो हमारा बॉटम फाइबर मतलब टेंशन फाइबर में या तनन क्षेत्र में जो छड़ पड़ा हुआ है या स्टील या इस्पात पड़ा हुआ है वो जितना मूवमेंट या घूर्ण को रजिस्ट कर रहा है वो कितना है, 6 kN। इसके बाद जो शेष हमारा बच रहा है कितना, 4 kN। वो 4 kN हमारा कौन सा रजिस्ट कर लेगा, जो हमने कंप्रेशन क्षेत्र में या उसके संपीडन क्षेत्र में यहाँ पे स्टील प्रोवाइड की है वो उसको बियर कर लेगा। मतलब जो हमारा पहले वाला सेक्शन था स्मॉल बी या बी इंटू डी का सेक्शन था, उसी सेक्शन पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ ओनली कंप्रेशन जोन पे स्टील प्रोवाइड कर दी और वो उसको रजिस्ट करने लगा। अदरवाइज यदि हम ऐसा ना करते तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो फेल हो जाता। समझ में आया, हम लोग डबली रेनफोर्समेंट क्यों डिजाइन करते हैं। हेलो, यस सर, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कि उसमें जितना मूवमेंट आ रहा है उस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे हमारी क्या होती है, मतलब प्रॉपर जो उसकी डायमेंशन होती है, जितने डायमेंशन का हमने डिसाइड किया हुआ है उसी डायमेंशन पे हम डिजाइन कर देंगे। और जब उसमें लोड ज्यादा आ रहा है, मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंशन फाइबर और कंप्रेशन फाइबर दोनों में स्टील प्रोवाइड कर देंगे। ओके, यस सर। अब यहाँ पे देख लो, ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है उसका डायग्राम दे रखा हुआ है, दिख रहा है, जो मैंने अभी सर्कल के अंदर किया हुआ है, ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है इसका डायग्राम दे रखा हुआ है। इसमें जो बीम है, बीम की विड्थ है वो स्मॉल बी है, फिर एक स्मॉल डी दे रहा है, दूसरा कैपिटल डी दे रहा है, स्मॉल डी कैपिटल डी, उन दोनों के बारे में मैंने बता चुका हूँ। मैंने क्या बताया हुआ था, जो हमारा स्मॉल डी होता है वो क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, जो कैपिटल डी है वो क्या है, टोटल डेप्थ है। टोटल डेप्थ था बीम सेक्शन, इफेक्टिव डेप्थ था बीम सेक्शन, या इफेक्टिव डेप्थ था बीम क्रॉस सेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, इफेक्टिव डेप्थ था बीम क्रॉस सेक्शन, टोटल डेप्थ था बीम क्रॉस सेक्शन, या विड्थ ऑफ जो यहाँ पे स्मॉल बी है, स्मॉल बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम क्रॉस सेक्शन। ओके सर, सिंगली और डबली का यूज कहाँ करते हैं क्या? अभी मैंने बताया ना बेटा, जहाँ पे लोड ज्यादा आ रहा होता है हम लोग सोचते हैं कि बीम का साइज ना बढ़ाएं। ये जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, ये जितने भी ओवरब्रिज वगैरह बनते हैं जहाँ मतलब कि हैवी लोड आ रहा होता है, उन जगह पे हम लोग डबली रेनफोर्समेंट बीम का ही यूज करते हैं।
और नॉर्मली जहाँ पे बहुत कम लोड आ रहा होता है, लाइक जैसे हमारे लिंटल एंटल वगैरह हो गए, ठीक, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मतलब कि बिल्कुल बहुत ना के बराबर लोड आ रहा, तो वहां पे हम लोग सिंगली रे बीम का यूज कर देते हैं। यदि लोड हमारा हैवी लोड आ रहा है और हमें चाहिए कि बीम की जो स्ट्रेंथ है या बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी रहे, इसलिए हम लोग वहां पे डबली रेइंफोर्समेंट बीम का यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये डबली रेइंफोर्समेंट बीम का एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। इस बीम के क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे ये हमारा कंप्रेशन स्टील है, यहाँ टेंशन स्टील है, मतलब जो हमारी न्यूट्रल एक्सेस है, न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर जो हमारा जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन जोन बोलते हैं। और न्यूट्रल एक्सेस से नीचे का जो जोन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल जोन। न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर का जो जोन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव जोन बोलेंगे। न्यूट्रल एक्सेस से जो नीचे का जोन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल जोन बोलेंगे। अब इस बीम इसके क्रॉस सेक्शन में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों जोन पे ही स्टील का यूज किया है। इस जोन में देखो हमने टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों पे ही स्टील का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन होगा ये कौन सा होगा, डबली बीम का क्रॉस सेक्शन होगा। ओके, जो टेंसाइल जोन पे स्टील पड़ी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, टेंशन स्टील। टेंसाइल जोन पे जो स्टील पड़ी हुई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन स्टील। कंप्रेशन जोन पे जो स्टील पड़ी हुई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्टील या कंप्रेशन स्टील। ओके यस सर। सर कंप्रेशन में सर दो स्टील लिख रहा और टेंशन में तीन, ऐसा क्यों? वो बेटा सिर्फ डायग्राम बना हुआ है, वो डिसाइड हम लोग बाद में करते हैं। अभी डायग्राम में मैं यहाँ पांच बना दूं तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ एक इंडिकेशन है, ठीक। वो हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि हमें कितनी रेइंफोर्समेंट उसमें डालनी है, ये कितनी प्रोवाइड करनी है, वो डिजाइनिंग हम लोग खुद करेंगे। अभी आगे जब डिजाइनिंग पढ़ोगे, डिजाइनिंग खुद समझ में आ जाएगी। टोटल यदि हमें पांच स्टील डालनी है तो जैसे मान लो टोटल इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, बेटा माइक इसका ऑन है, माइक ऑफ कर लो, इसका माइक ऑन आ रहा है। मान लो सपोज दैट जो हमें किसी भी बीम क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये बीम क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, ठीक। इस बीम क्रॉस सेक्शन की जब मैंने डिजाइनिंग की तो यहाँ पे जो मुझे नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करनी है वो तो पांच बार प्रोवाइड करनी है। कितनी? पांच छड़ प्रोवाइड करनी है। अब पांच छड़ को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मुझे पता है कि जो मेरी बीम है कौन सी है, सिंपली रेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है। ध्यान देना यहाँ पे, सिंपली सपोर्टेड बीम है। जब सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में तुम लोग जानते हो जो हमारा टेंशन जोन होता है कौन सा होता है, बॉटम पे, ठीक। तो मतलब जो सबसे ज्यादा लोड बियर करेगा वो बॉटम फाइबर पे ही सबसे ज्यादा लोड आएगा और उस पर जो स्टील पड़ी होगी वही बियर करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो टेंसाइल जोन है, मतलब जो इसका बॉटम फाइबर है, बॉटम फाइबर में ज्यादा स्टील प्रोवाइड कर देंगे। और टोटल हमारी स्टील कितनी आ रही थी, पांच छड़िया आ रही थी, यानी पांच बार आ रही थी। कितनी बची, तीन तो हमने बॉटम में प्रोवाइड कर दी, बची दो, तो दो हम टॉप में प्रोवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से यदि वहां पर डिजाइनिंग पे हमारी सिक्स आ जाती हैं तो तीन ऊपर कर देंगे और तीन नीचे कर देंगे। ये हमारा डिसाइड करता है, जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे डिजाइनिंग पे डिसाइड हो जाएगा कि हमारी कौन सी सिंपली सपोर्टेड बीम है, कि कैंटिलीवर बीम है, कौन सी बीम है। फिर बीम के साथ साथ हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे वहां पे कि हमें कितनी रेइंफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करनी है। एक जितनी भी प्रोवाइड करनी होगी उसका एरिया निकालेंगे, एरिया के बाद उसमें नंबर निकाल लेंगे कि इतनी छड़ उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सब प्रोवाइड कर देंगे। ओके ओके सर। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये टी बीम का है, ठीक। स्क्रीन में दिख रहा होगा ये टी बीम का डायग्राम है। इस पे जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं। मैं लास्ट क्लास में भी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ।
जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। क्या रिब भी बोलते शायद, रिब, वेब या रिब। यस सर। बेटा रिब हम लोग जो रिब बोलते हैं, रिब या टेंट, वो जो छड़ पे डिजाइन बनी होती है इस प्रकार से कुछ, उनको बोलते हैं। इसको सिर्फ वेब ही बोलते हैं। जो हमारी छड़ होती है, छड़ पे जो डिजाइन बनी होती है, उसको रिब या टेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो ये बॉटम वाला पार्ट है इसको वेब ही बोलते हैं। समझ में आया? जो बॉटम वाला पार्ट है इसको हम लोग वेब ही बोलते हैं, और जो ऊपर वाला ये फ्लैट वाला पार्ट है, फ्लैट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्लैंज बोलते हैं। ठीक, अब इनकी जो डेप्थ और विड्थ होगी उसी प्रकार से यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, इफेक्टिव विड्थ, टोटल विड्थ, इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे उसके बॉटम फाइबर से स्टील के सेंटर तक की का जो गैप होता है उसको हम लोग इफेक्टिव कवर बोलते हैं। स्टील के बॉटम से जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के बॉटम के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं। इसी प्रकार से टोटल डेप्थ का मतलब क्या है, बीम, किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन की जो टोटल डेप्थ है, मतलब उसकी ओवरऑल डेप्थ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी टोटल डेप्थ बोलेंगे। और इफेक्टिव डेप्थ का मतलब क्या है, जो उसमें स्टील प्रोवाइड की है हमने, स्टील प्रोवाइड मतलब उस स्टील के सेंटर से लेके उस बीम की क्रॉस सेक्शन के टॉप तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, जो हमारी डबली रेनफोर्समेंट बीम थी इस पे यहाँ पे क्या होंगे, जो इफेक्टिव डेप्थ होंगी वो दो दो होंगी। क्यों दो होंगी, क्योंकि एक बार बॉटम फाइबर की होगी, दूसरी बार कंप्रेशन फाइबर की होगी। क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्टील डाला हुआ है या सरिया डाला हुआ है वो टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन दोनों में डाला हुआ है। ओके, तो इसलिए एक को हम यहाँ पे डी डैश से इंडिकेट कर देंगे, एक को डी से इंडिकेट कर देंगे। वो इंडिकेशन हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हम जो भी इंडिकेट करते हैं वही वहां पे मेंशन करना होता है कि एज्यूम डी बराबर इफेक्टिव डेप्थ या कैपिटल डी बराबर टोटल डेप्थ, इस प्रकार से हम लोग वहां पे मेंशन कर देते हैं और इस डायग्राम पे इंडिकेट कर देते हैं। ओके, क्लियर सभी को? यस सर। ओके, फिर इसके बाद कुछ एजम्पशन दे रखे हुए हैं जो हम लोग एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग ऑफ आरसीसी बीम, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हम लोग एजम्पशन यूज करते हैं, वो एजम्पशन इसमें दे रखे हुए हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या रखा हुआ है, ए सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये इस प्रकार का कुछ एजम्पशन तुम लोगों ने उसमें ऐसा में भी पढ़ा हुआ था कि कोई भी हमारा सेक्शन है, ठीक, तो कोई भी हमारा सेक्शन है, हेलो वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही सर, आ रही सर, आ रही, क्लियर वॉइस आ रही सर। हाँ, तो ये वाला एजम्पशन हमने ऐसा में भी पढ़ा हुआ था, ए सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब बीम का कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद भी प्लेन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम का एक कोई ऐसा पार्ट होगा जो बेंडिंग होने के बाद या बेंडिंग से पहले प्लेन ही था, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सेस, उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सेस आफ्टर बेंडिंग एंड बिफोर बेंडिंग दोनों में उसकी जो लेंथ होती है क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, फिर इसके बाद इसका सेकंड एजम्पशन दे रखा हुआ है, दी कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड, जो हमारा कंक्रीट होता है और होता है दोनों की आपस में जो पकड़ होती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, मतलब परफेक्टेड होती है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी ग्रिप होती है। तो ग्रिप किस वजह से होती है, क्योंकि जो हमारा स्टील है, स्टील
कौन सी स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट बार यूज कर रहे हैं। के ऊपर स्टील के ऊपर एक डिजाइन टाइप में बनी हुई है, डिजाइन बनने की वजह से उसमें क्या होती है, ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन अप बाय स्टील एंड नन बाय कंक्रीट। जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है वो सब किसके द्वारा बियर की जाएगी, सिर्फ ओनली स्टील के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, जो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट सिर्फ ओनली कंप्रेशन क्षेत्र में ही अच्छा होता है, मतलब जो हमारा संपीड़न क्षेत्र है उसी में ही बेटर होता है, लेकिन जो हमारा स्टील है, स्टील तनन क्षेत्र में अच्छा होता है। तो ये बताओ, जब हमारा कोई भी बीम का क्रॉस सेक्शन है, उस बीम के क्रॉस सेक्शन पे यदि हमारा टेंसाइल लोड आ रहा है, तो कौन बियर करेगा, कंक्रीट या स्टील? स्टील, स्टील, तो स्टील बियर करेगा। वही इसके एजम्पशन में लिखा हुआ, जितना हम लोग जानते हैं वही उसके एजम्पशन बन जाते हैं। एजम्पशन कोई बाहर से नहीं आते हैं, सब वही है जो हम लोग जानते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कॉन्स्टेंट। जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और स्टील दोनों हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक। फिर इसमें नेक्स्ट और टर्म आता है हमारा, जो मॉडुलर रेशियो होगा, मॉडुलर रेशियो की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। यहाँ पे देख लो, मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, मॉडुलर रेशियो एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी कोई बताएगा क्या है यहाँ पे? सबसे पहली जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में मैंने वहां पे इंडिकेशन बताए हुए थे, ठीक। यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट में जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है हमारा सिग्मा सीबीसी, ठीक, ये सिग्मा सीबी। तो एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिल गया, एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, ठीक, एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। दूसरा एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, एम बराबर ईएस अपॉन ईसी। दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, एम बराबर ईएस अपॉन ईसी और एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। यहाँ पे हमारा जो एम है वो एम क्या है, मॉडुलर रेशियो, ठीक, एम क्या है, मॉडुलर रेशियो। सिग्मा सीबीसी क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। सिग्मा सीबीसी क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। सिग्मा सीबीसी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक। एम क्या है, मॉडुलर रेशियो। और ईएस और ईसी के बारे में सब लोग जानते होंगे, जानते हो ईएस और ईसी क्या होता है? ईएस होता है तुम्हारा मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ओके। इसी प्रकार जो ईसी है, ईसी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। जो ईसी है वो क्या है, कंक्रीट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ओके। और लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, अब यहाँ पे कोई बताएगा मुझे ईएस और ईसी की वैल्यू क्या क्या होती है, ईएस और ईसी की वैल्यू क्या होती है? ईएस की वैल्यू एमएस के लिए 2×10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, ठीक। और ईसी की वैल्यू कितनी होगी, 5000 √ एफ सी के। ईसी की वैल्यू कितनी होगी, 5000 √ एफ सी के, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा आईएस कोड 456:2000 था उसके अकॉर्डिंग। आईएस कोड 456:2000 के अकॉर्डिंग, ठीक। ये हमारा एक आईएस कोड था 456:2000, उसके अकॉर्डिंग जो ईसी की वैल्यू होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की वैल्यू होती है
वो 5000 अंडर रूट एफसीके होती है। यहाँ पे एफसीके क्या है, करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद इन 28 डेज। ठीक, अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही होगी कि जो हमारी ईसी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा। यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही है, जो हमारा एफसीके है वो है करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद इन 28 डेज। यार बोलो बोलो अभिलाषण। हाँ, करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो भी 28 डेज में। ठीक, करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद इन 28 डेज, ये हमारा क्या है, एफसीके है। और एफसीके किस पे डिपेंडेंट होता है, एफसीके हमारा इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंडेंट है। एफसीके हमारा क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंडेंट है। ठीक, एफसीके हमारा किस पे डिपेंडेंट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंडेंट है। तो जब एफसीके हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे आता सर, क्या चीज सर, एफसीके कंक्रीट का एफसीके। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो भाई, सारे मेरे पास। सर वो वास्तविक रूप से कैसे नापा जाता सर बेटा, वास्तविक नापा जाता है, वास्तविक रूप से ही बता रहा हूँ। जो हम लोग करैक्टरिस्टिक उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी ग्रेड ले रहे होते हैं, जो भी सैंपल ले रहे होते हैं, उसके हम लोग 100 सैंपल ले लेते हैं। कितने, 100 नंबर सैंपल ले लेते हैं। ठीक, 100 नंबर सैंपल लेने के बाद में प्रत्येक सैंपल को बारी बारी से सीटीएम मशीन से चेक करते हैं। ठीक, जितने सैंपल हैं, जैसे मान लो सपोजेड हमने यहाँ पे M20 ग्रेड का कंक्रीट लिया हुआ है, M20 ग्रेड का कंक्रीट लिया हुआ है, M20 ग्रेड के हमने 100 सैंपल ले लिए। 100 सैंपल में से प्रत्येक सैंपल को बारी बारी से हम लोगों ने सीटीएम मशीन से चेक किया। सीटीएम का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। प्रत्येक सैंपल को हमने बारी बारी से सीटीएम मशीन से चेक किया, तो प्रत्येक सैंपल की जो स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 20 न्यूटन पर mm² से ज्यादा आनी चाहिए। यदि 95 सैंपल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है वो 20 न्यूटन पर mm² से ज्यादा आ रही है, तो इसके मतलब उसका जो एफसीके होगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन पर mm² होगा। यदि 95 सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 से थोड़ा ऊपर आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम लोग क्या करेंगे उसकी, तो वो हम लोग 20 न्यूटन पर mm² एज्यूम कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया कि हम लोग एफसीके कैसे डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो, जो ES का फॉर्मूला है, ES का फॉर्मूले मैंने कल दो फॉर्मूले बताए हुए थे। एक बताया हुआ था IS-456-2000 के अकॉर्डिंग, एक फॉर्मूला बताया हुआ था IS-456-1978 के अकॉर्डिंग। एक था IS-456 बेटा माइक ऑफ कर लो, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला एक बताया हुआ था, एक बताया था IS-456-2000 के अकॉर्डिंग। इसका फार्मूला बताया था 5700 √FCK, और इसका फार्मूला क्या था, 5000 √FCK। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, ये सब तुम्हारी ईसी की वैल्यू के फार्मूले हैं। दिख रहा है IS-456-1978 के अकॉर्डिंग जो ईसी की वैल्यू होगी वो 5700 √FCK होगी, और IS-456-2000 के अकॉर्डिंग जो हमारी ईसी की वैल्यू होगी वो 5000 √FCK होगी। ओके, फिर इसके बाद में
कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जब हम लोग डब्ल्यू एस एम मैथड यूज कर रहे थे तो डब्ल्यू एस एम मैथड टोटल हमारा इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड था। इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होने के कारण उस पर जो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब उसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस पर ले रहे थे वो कंक्रीट के लिए कितनी ले रहे थे, कंक्रीट के लिए हम लोगों ने वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया हुआ था 3, ठीक, और स्टील के लिए लिया हुआ था 1.78। कंक्रीट के केस में जो हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया हुआ था डब्ल्यू एस एम मेथड पे वो 3 लिया हुआ था, और स्टील के केस में हम लोगों ने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया हुआ था वो 1.78 लिया हुआ था। वहीं पे जबकि जो हमारा एलएसएम मेथड था, एलएसएम मेथड पे जो हम लोगों ने कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया हुआ था वो 1.5 लिया हुआ था, और स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था वो 1.15 लिया था। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये हमारा दे रखा हुआ है डब्ल्यू एस एम मेथड के लिए, ठीक, और यहां मैंने ये बता दिया बगल में उसके एलएसएम मेथड का। यही तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे कि एलएसएम मेथड पे जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी या कंक्रीट कितना होता है, ये डब्ल्यू एस एम मेथड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी या कंक्रीट कितना होगा, ये एलएसएम मेथड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी या स्टील कितना होगा, ये डब्ल्यू एस एम मेथड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील कितना होगा। इन्हीं से ही एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ओके सर। फिर यहाँ पे आप अच्छा ये बताओ किसने किसने आईएस कोड को परचेज कर लिया है या किसने किसने डाउनलोड करवा लिया है या कहीं से अवेलेबल करवा लिया है, आईएस कोड किसके किसके पास है? नहीं है सर अभी तक। तो बेटा जिनके पास नहीं है डाउनलोड कर लेना, प्रिंट ग्रुप पे भी शायद पीडीएफ है, तो पीडीएफ में एक बार ओपन करके देखना जो तुम्हारा टेबल नंबर 21 है, ठीक, आईएस कोड पे टेबल नंबर 21 है उस पे ये पूरी टेबल दे रखी हुई है, ठीक। okay, ये इसमें okay, कौन कौन सी वैल्यू है ये पूरी पहले एक बार टेबल देख लो। सबसे पहले इसमें जो कॉलम बना हुआ है ये हमारा बना हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, ठीक। फिर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, फिर परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड, ठीक, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड, दो टेबल बना हुआ है। लेकिन अभी सिर्फ हमें जिससे मतलब है वो सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सी से मतलब है, हमें सिर्फ अभी जो जिससे मतलब है वो सिर्फ ओनली अपनी इतनी टेबल से मतलब है, हमें सिर्फ इतनी टेबल से ही मतलब है अभी, ठीक। इस टेबल में ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के सामने यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन बेंडिंग और डायरेक्ट दोनों में दे रखा हुआ है, मीन्स सिग्मा सीबीसी। अभी जो वहां पे तुम्हें सिग्मा सीबीसी मिला हुआ था, सिग्मा सीबीसी की ये वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगी, ये सबको याद होनी चाहिए। अब याद कैसे करोगे, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि हम लोग याद कैसे करेंगे। एक यहाँ पे दे रखा हुआ है सिग्मा सीबीसी, देखो बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका भी है, एक दे रखा हुआ है सिग्मा सीबीसी, दूसरा दे रखा है सिग्मा सीसी, ठीक। मेरी स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही है? एक दे रखा हुआ है सिग्मा सीबीसी, दूसरा दे रखा हुआ है सिग्मा सीसी। सिग्मा सीबीसी का मतलब क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन वही बेंडिंग में, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन वो भी बेंडिंग में। सिग्मा सीसी का मतलब होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन वो भी डायरेक्ट, ठीक। सिग्मा सीसी और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू याद करने के लिए देखो टेबल दिख रही होगी, हो सकता है बहुत लोग टेंशन में पड़ गए होंगे कि कैसे याद करेंगे। बहुत सिंपल है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे ग्रेड मालूम है, पहला ग्रेड क्या दे रखा है, M15 दे रखा हुआ है, दूसरा M20, ठीक। मैं सिर्फ दो ही लेके समझा रहा हूं तुम्हें। एक तरफ ले लेते हैं यहाँ पे सिग्मा सीबीसी, दूसरी तरफ ले लेते हैं यहाँ पे सिग्मा सीसी, ठीक। सिग्मा सीबीसी ले लिया और सिग्मा सीसी ले लिया, तो अब यहां पे देखना
जो हमारा ग्रेड दे रखा हुआ है, ग्रेड पे जो नंबर दे रखा हुआ है, ग्रेड पे जो नंबर दे रखा हुआ है, उस नंबर को यदि 3 से डिवाइड कर दोगे तो सिग्मा सीबीसी मिल जाएगा। ग्रेड पे जो नंबर दे रखा हुआ है उस नंबर को यदि तुम 3 से डिवाइड कर दोगे तो सिग्मा सीबीसी मिल जाएगा। मतलब कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, सिग्मा सीबीसी जो हमारा ग्रेड दे रखा हुआ था यानी ग्रेड अपॉन 3, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ग्रेड अपॉन 3। सिग्मा सीसी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ग्रेड अपॉन 4। यहां पे देखो सभी इसी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, जी सर आ रही सर, आ रही है। तो अब एक बार मैंने यहाँ पे उसका तरीका ही बता दिया, उसकी जस्ट बगल में टेबल दे रखी हुई है, आप लोग आपस में चेक करके देख सकते हैं। जो हमारी सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेड अपॉन 3। सिग्मा सीसी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेड अपॉन 4। कैसे ग्रेड अपॉन 3, ग्रेड अपॉन 4, वो चीज भी देख लो। सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्रेड 15। जब हमने यहाँ पे M15 ले रखा हुआ है, यहाँ पे नंबर क्या है 15, 15 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 5। ये वैल्यू किसकी है, सिग्मा सीबीसी की। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं 15 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। बिल्कुल, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसे कैलसी से डिवाइड करेंगे तो 3 point something कुछ आएगा, तो 3 point something कुछ आएगा। तो हमें क्या करना है, उसकी पूरी एक्चुअल वैल्यू मान लेनी है, यानी लगभग लगभग हमारा वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। यहां पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी, यानी ये वैल्यू किसकी होगी, सिग्मा सी, ये वैल्यू किसकी होगी, सिग्मा सीबीसी की होगी। समझ में आया, सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी दो घटना नहीं है। आ गया समझ, आ गया सर। कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में आया हो, टेबल रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक निकाल लोगे वैल्यू। सर सिग्मा सीसी टेबल को क्या कहते हैं, सिग्मा सीबीसी तो मालूम है। सिग्मा सीसी है तुम्हारा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, वो भी डायरेक्ट में, जो डायरेक्ट में कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक, वो है हमारी सिग्मा सीसी। ठीक, समझ में आ गया, और जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या सिग्मा सीसी की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जस्ट बगल में टेबल है, तुरंत उठा के डिवाइड करो, मिल रही है। अप्रॉक्स में ही वैल्यू लेनी है, क्लियर वैल्यू नहीं लेनी है हमें, अप्रॉक्स में लेनी है। जैसे मान लो हमने 25 लिया, और 25 को हम यदि 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 per 24 करीब 8.5 आया। ठीक, इस प्रकार यदि 25 को तुम 4 से डिवाइड करोगे, यानी 6 को 24, यानी कितना आ गया 6। तो ये एक तरीका है तुम्हें याद करने का, ये कोई फंडा नहीं है, कोई पता चलेगा यहाँ पे कॉपी पे लिखा है कि नहीं ऐसे 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 करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है, ये डिसाइड किया गया है। बस सिर्फ एक मेहनत में एक कॉन्सेप्ट बताया कि हम लोग कैसे याद रखेंगे। ओके यस सर, आगे बढ़े। हाँ सर, अभी हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा स्टील के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टील की जो भाई परमिशन स्ट्रेस होती है, क्या चीज, किसका फुल फॉर्म, पिन बेटा, सामने स्क्रीन पे लिखा रहता है, यदि जो चीज ना समझ में आए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में देख सकते हो। ओके, एक ही वर्ड को मैं 4-4 बार कैसे रिवाइज करूंगा, यदि ऐसे रिपीट करता रहूंगा फिर एक महीने में तुम्हारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। ठीक,
यहाँ पे अब हमारी नेक्स्ट टेबल दे रखी है टेबल नंबर 22, ये हमारे आईएस कोड में भी दिया गया है। इस पे जब हमारी स्टील टेंशन कंडीशन में है और जो उसका डाया है यदि 20 mm तक है तो उस पे जो हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, यदि 20 mm तक डाया है तो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 140 लेंगे। याद रख लो एक चीज, जब हम लोग स्टील के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं या स्टील के लिए टेबल देख रहे हैं, जब उस पे स्टील का डाया अप टू 20 mm है तो वहां पे जो हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 140 लेंगे। और यदि उसका डाया 20 mm से ओवर हो रहा है उस केस में जो वैल्यू लेंगे हम लोग 130 लेंगे। ठीक, उस केस में जो हम लोग वैल्यू लेंगे ये कौन से लेंगे, 130 लेंगे। ये कौन से स्टील की है, ये हमें तब यूज करना है जब हमारा एमएस दे रखा हो, यानी एमएस मतलब Fe 250। अब वहां तुम्हें क्वेश्चन में एमएस नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, Fe 250 स्टील का ग्रेड लिखेगा, क्या लिखेगा, Fe 250 ध्यान देना, वहां पे लिखेगा Fe 250। तो Fe 250 का मतलब क्या होता है, माइल्ड स्टील। यदि माइल्ड स्टील है और माइल्ड स्टील के केस में यदि हमारी स्टील टेंशन में है, ठीक, टेंशन में है तो उस और टेंशन के साथ साथ यदि उसका डाया 20 mm तक है तो उस पे जो हम लोग वैल्यू लेंगे परमिसिबल स्ट्रेस की वो 140 लेंगे, मतलब 140 लेंगे। वहीं पे यदि उसका डाया 20 mm से ज्यादा हो जाता है तो उसके उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे वो 130 लेंगे। ओके, ये तो हमारा हो गया MS का या Fe 250। लेकिन Fe 250 के साथ मान लो क्वेश्चन में उसने तुमसे तुमको दे दिया कि हम लोग यहाँ पे HYSD बार का यूज कर रहे हैं, जब हम लोग HYSD बार का यूज करेंगे तब ये वाले टेबल पे जो डाटा दे रखा हुआ है ये यूज करेंगे। जब हमारी MS बार थी तो MS बार पे हम लोगों को ये डाटा यूज करना था, और जब HYSD बार है तो HYSD बार पे हमें ये डाटा यूज करना है। ये वैल्यू तुम याद कर लेना, ठीक, यदि हमारा HYSD बार है और कंप्रेशन जोन में है तो उस पे जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस होगी वो 190 होगी। ठीक, वहीं यदि टेंशन जोन में है तो टेंशन जोन में जहां वो 20 mm तक हो या 20 mm से ऊपर उसका डाया हो, दोनों की वैल्यू 230 ही होगी। ओके, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 230 ही होगी। और यहां पे हमारा था MS का। ओके, आगे बढ़े जी। अब देखो यहां तुम्हें कुछ ये चार पांच डायग्राम एक लाइन से दिख रहे हैं, दिख रहे नहीं, दिख रहे सर, थोड़ा पैसे दिख रहे सर, दिख रहे दिख रहा है, दिख रहा है सर, प्रॉब्लम हो। ठीक, इस पे लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। जो पहला हमारा डायग्राम बना हुआ है ए पॉइंट पे वो क्या है, कोई एक बीम का हमने सेक्शन लिया हुआ है। ठीक, ए वाला क्या है, हमारा बीम का सेक्शन है। फिर इसके बाद जो हमारा बी वाला डायग्राम है, बी वाले डायग्राम पे हमने क्या किया हुआ है कि उसके इक्विवेलेंट एक सेक्शन डिजाइन कर लिया है। मतलब यहाँ पे जो हमारी स्टील पड़ी हुई है, स्टील को हमने, अब देखो जो एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील को मैंने उस दिन बताया हुआ था कि हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, ESD से करेंगे, एरिया ऑफ स्टील को ESD से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस सेक्शन में यहाँ पे बॉटम फाइबर पे या टेंसाइल जोन पे कुछ छड़ पड़ी हुई, कुछ जो छड़ पड़ी हुई है या जो स्टील पड़ी हुई है उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ESD होगा। उसका जो एरिया होगा वो ESD होगा,
यदि उसी एरिया पे हम मॉडुलर रेशियो एम का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मॉडुलर रेशियो एम का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इस पूरे सेक्शन के बराबर जो यहाँ पे एरिया आता है, इसका पूरा एरिया, ये इस पूरे एरिया के बराबर हो जाता है। अब बाकी, अब जितनी भी ये फ्री, अब यहाँ जो नीचे कंक्रीट बची हुई है, हमें इस कंक्रीट से कोई मतलब नहीं है। इस जोन पे देखो, जो मैंने यहाँ पे हाइलाइटेड जोन किया हुआ है, हाइलाइटेड जोन पे जो मेरी कंक्रीट बची हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जैसे इसे एक नॉर्मल सेक्शन से इक्विवेलेंट सेक्शन में चेंज कर लिया, तो पूरा लोड आराम से बियर करने लगा। उसके जस्ट बगल में हमारा स्ट्रेन डायग्राम बना हुआ है, उसके जस्ट बगल में स्ट्रेन डायग्राम बना हुआ है। अब स्ट्रेन डायग्राम पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम पे बॉटम फाइबर पे हमारी स्टील पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, एप्साइलन एस कर दिया है। स्ट्रेन को हम लोग एप्साइलन से इंडिकेट करते हैं। स्टील को हम लोग एप्साइलन से इंडिकेट करते हैं। बोलो बोलो, वॉइस नहीं आ रही सर, क्लियर? वॉइस नहीं आ रही? किसके किसके पास नहीं आ रही वॉइस? आ रही सर, आ रही सर, वॉइस ठीक है। नहीं आ रही सर, थोड़ा फास्ट आ रही सर वॉइस, बहुत तेज आ रही है। यहाँ पे देखो, जो हमारा टेंशन फाइबर है, टेंशन फाइबर पे हमारी स्टील पड़ी हुई है, इसलिए इसका जो हम लोग स्ट्रेंथ शो करेंगे, स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस हो जाएगा। वहीं पे जो कंप्रेशन जोन पे जो उसकी बोलो बेट, तुम क्या बोल रहे हो, आवाज लगा के सुनो बेटा। क्लास लेने के लिए सभी लोग एक एक ईयरफोन रख लो, ठीक, तो वो ज्यादा बेटर होगा। कंप्रेशन जोन पे हमारी कंक्रीट है, इसलिए वहां पे जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन सी होगी, ठीक, यस, एप्सिलॉन एस और एप्सिलॉन सी, ठीक। यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टील पे जो स्ट्रेन आ रही उसको इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो कंक्रीट पे स्ट्रेन आ रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद देखो, जब हमने दोनों की स्ट्रेन ले ली, स्ट्रेन लेने के बाद इन दोनों का कोई ना कोई एक ऐसा सेंटर पॉइंट होगा जहां पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा। जैसे मान लो हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ था, स्ट्रेन डायग्राम देखना, ये न्यूट्रल एक्सिस था, मेरी स्क्रीन शो कर रही है, तो इस पे देखो यहां पे क्या है, एप्सिलॉन एस है, यहाँ पे एप्सिलॉन सी है, ओके। इस जोन पे कंक्रीट है टोटल, इस जोन में कंक्रीट है और इस जोन में स्टील है, ठीक। तो अब ये बताओ, इधर पे जो कंक्रीट है, तो कंक्रीट अब इस पूरे पोर्शन का कोई एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इस पूरे पोर्शन का कोई एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कि नहीं होगा? होगा सर, ठीक, इस पूरे पोर्शन का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी प्रकार से जहां पे हमारा अब इस वाले पोर्शन पे स्टील लाई कर रहा है, जब स्टील लाई कर रहा है तो जहां पे स्टील का क्षेत्रफल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसका वहीं पे होगा, होगा। यानी स्टील का जो हमारा सीजी है, कॉन्क्रीट का जो सीजी है, दोनों की बीच की जो एक दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। एक नया टर्म यहां पे निकल के आ गया कि जो हमारा सीजी ऑफ स्टील, ठीक, इन टेंसाइल जोन, सीजी ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन, ठीक, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को या उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीवर आर्म, ठीक। इसे हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं,
लीवर आर्म को जेड से इंडिकेट करते हैं। देख लो, लीवर आर्म को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। जेड हमारा क्या है? लीवर आर्म है। और लीवर आर्म का मतलब क्या है कि जो हमारा कंप्रेशन जोन पे जो स्टील है, टेंशन जोन पे जो हमारा स्टील है, स्टील, और जो हमारा कंप्रेशन यानी संपीड़न क्षेत्र पे जो कंक्रीट पड़ा हुआ है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बीच की दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर आर्म बोलते हैं या उत्तोलक भुजा बोलते हैं। ठीक, लीवर आर्म या उत्तोलक भुजा बोलते हैं। ओके बेटा, लीवर आर्म समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये अगला टर्म आएगा फिर अभी आगे आ गया सर। ठीक, फिर यहां पे परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील का ये फॉर्मूला हम लोगों को याद कर लेना, पीटी बराबर 100 एएसटी अपॉन बीडी, पीटी बराबर 100 एएसटी अपॉन बीडी, परसेंटेज ऑफ स्टील का ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होगा, पीटी बराबर 100 एएसटी अपॉन बीडी, जहां पे एएसटी क्या है? एरिया ऑफ स्टील। एएसटी क्या है? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ओके, और बी और डी क्या है? विड्थ और डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। बी और डी यहां पे क्या होंगे? विड्थ और डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, फिर इसके बाद में इस टॉपिक के दो और फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले और कौन कौन से हैं, चलो आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। एक यहां पे पहले, जैसे मैंने यहां पे बीम का एक सेक्शन ले लिया, ठीक, ये मैंने बीम का सेक्शन लिया, इसकी न्यूट्रल एक्सिस ये है, इसकी विड्थ बी है, डेप्थ डी है। ठीक, जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है? यहां पे हमारे अभी दो टॉपिक आएंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्या है सर? क्योंकि दोनों में बता रहा हूं हमारा क्या डिफरेंस है। देखो, एक तो जैसे मान लो हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक, रेक्टेंगुलर सेक्शन के हम लोग जानते हैं कि मिड पे ही हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है, मतलब इसका हाफ पार्ट इधर होगा, यानी d बाई टू ऊपर होगा, यदि हमने टोटल डेप्थ मानी हुई है, d बाई टू नीचे होगा, होगा तो ऊपर से लेकर जो ये डेप्थ होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, मतलब उसकी जो कोई भी जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन की एक्चुअल में जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होती है, वो उसकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। कुल मिला के सीधा सीधा से तुम लोग ये समझो, किसी भी सेक्शन की जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, वो उसकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। हमारा कोई भी बीम का सेक्शन दे रखा हुआ है, उस सेक्शन की जो एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। ठीक, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो निकल आई। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की इस टॉप फाइबर से, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की इस टॉप फाइबर से
जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स सी। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर तक की, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने क्या माना हुआ है, एक्स सी। ठीक, एक्स है, सफिक्स में सी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आया, जो तुम्हारा ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा ये क्या होगा, जो उसकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से उसके टॉप फाइबर की डिस्टेंस। लेकिन यहीं पे एक टर्म और मैंने क्या बताया हुआ था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये था हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, अब इस बीम में अब देखना, जो मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, इस बीम के क्रॉस सेक्शन में मैंने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर दी। ओके, अब ये बताओ जब मैंने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर दी तो कुछ ना कुछ इसका ये वाला पार्ट भी लोड बियर करेगा। देखो यहाँ पे एक ये टॉप वाला पार्ट था और ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है। टॉप और बॉटम दो पार्ट हैं। ठीक, टॉप वाला पार्ट हमारा ये ऊपर है। वॉइस आ रही मेरी? आ रही। यस सर, यस सर आ रही। ये टॉप वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट है। ठीक, सबसे पहले मैंने एक सिर्फ ओनली नॉर्मल क्रॉस सेक्शन लिया हुआ था, वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से मैंने बताया कि उसका जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होती है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। लेकिन अब जब मैंने इसके बॉटम फाइबर में स्टील प्रोवाइड कर दी है, जब स्टील प्रोवाइड करेंगे तो इसके मतलब क्या है कि जो उसकी न्यूट्रल एक्सिस है कुछ ना कुछ नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। इधर जब मैंने यहां पे नीचे स्टील प्रोवाइड कर दी है तो उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी, इस जो पहले वाली न्यूट्रल एक्सिस थी उससे कुछ नीचे यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। हो जाएगी? हो जाएगी। यस सर। ठीक, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी, नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब इस समय इसके टॉप फाइबर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी या डेप्थ होगी, इसी डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ओके, फिर इसके बाद आर्म अभी मैंने समझाया हुआ था, लीवर आर्म मैंने क्या बताया हुआ था, हमारा जेड होता है और जेड कहां से होता है, टेंशन और जो हमारा कंप्रेशन जोन है। ठीक, यानी इसका सीजी हमारा यहाँ होगा, इसका सीजी यहाँ होगा, इनकी बीच की जो ये दूरी होगी ये क्या होगी, हमारी जेड होगी। ये जो हमारी डिस्टेंस होगी ये जेड होगी, जेड के हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। और जेड कितना होता है, एच वाई थ्री। जेड हमारा एच वाई थ्री या डी वाई थ्री। ठीक, यहाँ पे उसने डेप्थ को एच लिया है लेकिन हमें डी बाई थ्री अपना एक ही लेके चल रहा है। तो जो यहाँ पे लीवर आर्म होगा वो कितना होगा, डी बाई थर्ड। सर डी माइनस एक्स बाई थ्री होता है। डी माइनस एक्स बाई थ्री होता है? यस सर। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लीवर आर्म होगा वो जेड बराबर होता है डी माइनस एक्स वाई थ्री। ठीक, जो लीवर आर्म हमारा होगा वो जेड बराबर क्या होगा, डी माइनस एक्स वाई थ्री, इसलिए वहां पे उसने डी माइनस एक्स को एच लिख दिया था।
जो हमारा लीवर आर्म होगा वो जेड बराबर डी माइनस एक्स वाई थ्री होगा और डी माइनस एक्स को ही उसने यहाँ पे एच लिखा हुआ है। ओके जी यस सर, क्या होगा इसमें, क्या चीज एक्स क्या होगा फिर? जो यहाँ पे एक्स है, एक्स ही हमारी डिस्टेंस है, जो यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है वही यहाँ पे ये डिस्टेंस है, उसी को हम लोग यहाँ पे एक्स ए एन ए से इंडिकेट करते हैं, एक बार एक्स सी एन ए से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू रखनी है, हमें एक्चुअल वाली रखनी है या क्रिटिकल वाली रखनी है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, एक्चुअल वाली पुट करेंगे या क्रिटिकल वाली पुट करेंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी मान लो तुमने यहाँ पे पूछ लिया है तो मैं यहाँ तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो हमारा जैसे यह लीवर आर्म था, लीवर आर्म का फॉर्मूला क्या था, जेड बराबर डी माइनस एक्स बाई थ्री, सॉरी एक्स अपॉन थ्री। यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्रिटिकल होगा। अब यहाँ पे एक्स सी मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ, देखना। अब एक बार मैं यहाँ पे एक्स ए लिखूंगा, एक बार सी लिखूंगा, तो एक्स ए और एक्स सी का मतलब क्या है, एक्चुअल और क्रिटिकल। एक्स का मतलब क्रिटिकल और एक्स का मतलब एक्चुअल। हाँ, एक्स ए का मतलब है एक्चुअल, जो तुम्हारी मतलब कि न्यूट्रल एक्सेस की एक्चुअल डेप्थ है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। ठीक, एक्स ए है तुम्हारी डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। ठीक, और जो एक्स सी है वो एक्स सी क्या है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, समझे। तो इस फॉर्मूले पे जो हम लोग एक्स रखते हैं वो एक्स कौन सा रखते हैं, क्रिटिकल वाला रखते हैं। जो हम लोग यहाँ पे एक्स रखेंगे वो एक्स कौन सा रखेंगे, क्रिटिकल वाला रखेंगे। ठीक, यानी यहाँ पे एक्स सी जिसको फॉर्मूला याद कर रहा है डायरेक्ट चाहे एक्स सी के रूप में याद कर सकता है, ये डी माइनस एक्स अपॉन थ्री याद कर ले और इसके बाद फिर बाद में वहां पे इंडिकेट कर ले कि जो यहाँ पे एक्स है वो एक्स क्या होगा, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है। ओके ओके सर, सर आप कल पढ़ाना। सर सर बोलो 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 सर, थ्री, सर थ्री जो रहता है सर पूरे अपॉन में नहीं रहता, पूरे के अपॉन में रहता है, डी माइनस एक्स बाई थ्री। सिर्फ x के अपॉन में रहता है, ठीक, जो थ्री रहता है यहाँ पे x के अपॉन में रहता है सर, केवल x के अपॉन में रहता है। हाँ, सिर्फ ओनली x के अपॉन में रहेगा, d माइनस एक्स बाई थ्री, यहाँ पे x x के ही अपॉन में हमारा थ्री रहेगा। ओके ओके सर, कोशिश करेंगे कि आज इसका हो सकता है कि शाम को टेस्ट होगा, तो जो भी लास्ट क्लास हुई थी उसका टेस्ट होगा, मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा और उसकी टाइमिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेस्ट अपना वहां पे सबमिट कर देना। ठीक ओके सर, टाइमिंग से टेस्ट से काफी पहले कर दीजिएगा। मैं जो भी टाइमिंग होगी मतलब जो टेस्ट की टाइमिंग होगी उससे कम से कम तीन से चार घंटे पहले ही पोस्ट कर दूंगा उस पर। यस सर, आगे पता चल जाएगा। हेलो सर, चार घंटे पहले। हाँ बोलो सर, वो जैसे M20 के M15 जो ग्रेड है उसका डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे निकाल दे सर, आप नहीं पाए थे सर। जो हम डायरेक्ट निकालते हैं तो जो सर ग्रेड है, ग्रेड सिग्मा सी, ग्रेड पे सीधा 4 से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे कितना दे रखा हुआ था, M15 दे रखा हुआ था। ठीक, M15 के लिए जब सिग्मा सीसी की वैल्यू निकाले सीधा से 4 से डिवाइड कर दो तो एप्रोक्सिमेट वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, उसमें 3 से एप्रोक्सिमेट वैल्यू निकाल, उसमें 3 से करना सीबी। हाँ, सिग्मा सीबीसी में क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। जब हम 3 से यहीं पे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ओके यस सर, यस सर, आप कोशिश करो कि इनके लिए ही हाँ बोलो सर, जैसे कहें कि बुक में जैसे हमने देखा है कि सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीबी लिखा रहता है, दोनों मतलब एक ही होता शायद, दोनों सेम ही है। देखो सीबीसी क्या है, हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, सिग्मा सीबी क्या करता है, जितने भी लोकल राइटर वाले होते हैं ये कॉपीराइट लगाने के चक्कर में उसे सिग्मा सीबी लिख देते हैं। ठीक, तो दोनों सही ना सर,
हाँ दोनों सही है, क्योंकि देखो यदि तुम पेपर में लिखोगे भी अभी तो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर है ठीक, और यदि ऑब्जेक्टिव पेपर में भी तुम्हारा लिखा गया सिग्मा सीबी भी लिखा होगा तो उसका मींस लिखा होगा, और यदि पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव की जगह थ्योरेटिकल होता तब भी तुम उसे सिग्मा सीबी लिखते तो वहां पे उसका मींस बताते कि सिग्मा सीबी तुम्हारा क्या है ठीक। तो उनके स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में सर सीबी सही है कि सीबीसी? स्टैंडर्ड हमारा सिग्मा सीबीसी है, सीबीसी। ओके सर ठीक है, बाकी फिर कल हमारी क्लास सेम इसी टाइम पे होगी, यदि कुछ चेंजमेंट होता है तो पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, जैसे टेस्ट होता है क्लास क्या चीज नेट होता है तो सर उसके बाद हम लोगों को वो नहीं मिलती क्या नोट क्या चीज टाइप की, जैसे कौन था किसका कौन था सही है कौन सा क्वेश्चन है कौन सा आंसर सही है, जब तुम लोग सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद तुम्हें आंसर उसी ऐप पे ही मिल जाएंगे, और यदि ऐप पे आंसर नहीं मिलेगा तो मैं आंसर फिर तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐप कौन सा है सर? जाता सर उसी में सर उत्तर पुस्तिका आ जाती है ऐप पे, इसी एप्लीकेशन टेस्ट का टाइम सर ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये पहले माइक ऑफ कर ले जिनका माइक ऑन है, हरि ओम यादव माइक ऑफ करो। टेस्ट का जो भी टाइम होगा मैं 4 से 5 घंटे पहले ही तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और उस पे डाल दूंगा ग्रुप पे, और ग्रुप मतलब एप्लीकेशन पे जो मैं टाइमिंग डालूंगा उसमें 4-5 घंटा बढ़ा के डाल दूंगा ठीक है, और उसकी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है कि कितने टाइम पे तुम्हें टेस्ट सबमिट करना है, 20 मिनट 30 मिनट 25 मिनट जो भी मैं टाइम डाल दूंगा उसी टाइम पे ही तुम्हें टेस्ट सबमिट करना होगा, अदरवाइज तो टेस्ट सबमिट नहीं कर पाओगे, और उसी टाइम पे ही सबमिट होगा। जैसे मैंने उसमें टाइम मेंशन कर दिया 5 बजे तो 5 बजे ही टेस्ट ओपन होगा, और 5:30 पे क्लोजिंग कर दी तो 5:30 पे अपने आप बंद हो जाएगा, जितने लोग सबमिट कर देंगे सबमिट कर देंगे, हाँ अपने आप सबमिट हो जाता है ठीक, सब तुम्हें ऐप पे ही मिल जाएगा। सर इसका कोई ओके है क्या? क्या चीज ओके सर? यस सीडीएस जो आप पढ़ा रहे हो या जो पढ़ा चुके हो? बेटा जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद मेरे हिसाब से मैंने ये बुक अपलोड भी कर रखी हुई है, और यदि अपलोड नहीं होगी ये बुक कम से कम 400-500 MB की है ठीक है, और डेली 5 घंटे का लेक्चर लेने के बाद डाटा बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप लोग ऐसा करना गूगल पे सीधा गूगल कर लेना कि शर्मा एंड शर्मा की RCC की बुक ठीक है, शर्मा एंड शर्मा की RCC की बुक तुम्हें मिल जाएगी, उसकी PDF गूगल पे पड़ी हुई है। और बाकी यदि कहो तो मैं इसका जो मतलब कि लिंक होगा तो लिंक तुम्हें शेयर कर दूंगा। लिंक शेयर कर दो ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो लिंक से डाउनलोड कर लेना ठीक है। ओके सर, ओके। तो अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे।